हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर लैब। तनु गुप्ता जी ने, जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पूछा है पीरियड्स के दौरान जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है उसे कुछ घरेलू नुस्खे। तो आज हम जानेंगे लड़कियों के उन कठिनाइयों के दिन में जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है उसके कुछ घरेलू उपाय। तो चलिए जानते हैं। महीने के वो 4 से 5 दिन सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए बहुत कष्टप्रदायी होते हैं। हालांकि ये एक ऐसा शारीरिक चक्र है जिसके होने पर हर महिला लड़कियों को कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन ये भी बता दें आपको, अगर ये अनियमित रूप से भी हो तो आपको कई समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पीरियड्स का दर्द हर महिला और लड़कियों के लिए अलग अलग होता है। पीरियड्स में न केवल पेट में दर्द होता है बल्कि पैर पीठ से भी काफ़ी तकलीफें बनी रहती हैं। आजकल की अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल का असर लड़कियों के पीरियड्स पे भी पड़ता है। हालांकि पीरियड्स के दर्द से छुटकारा पाने वाले बाजार में यानी कि मेडिकल स्टोर पे कई सारे पेन किलर मौजूद हैं, लेकिन अक्सर महिला और लड़कियों को इन दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पर कई बार ये दर्द इतना आहनीय या फिर कहें तो असहनशील हो जाता है कि दवा लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप दवाई खाने से बचना चाहते हैं तो इन घरेलू चीज़ों का आप इस्तेमाल करके आराम पा सकते हैं। नंबर 1, अदरक। अदरक एक कारगर उपाय है। पीरियड्स के दर्द में अदरक खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आप अदरक नहीं खा सकते हैं, आपको कड़वा लगता है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके काट कर पानी में उबाल कर इसे फिर पिएं। इसे आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 2, पपीता। पपीता पीरियड्स में बहुत लाभदायक है। पपीता पाचक क्रियाओं को मजबूत बनाने में काम आता है और इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पीरियड्स के दौरान इसका सेवन करने पर दर्द में भी आराम मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है या हो रहा है तो चाय बनाते समय उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल दें और फिर इस चाय को पीने से आपको दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। नंबर 4, अजवाइन। एक और खास बात, पीरियड्स के समय खासकर लड़कियों को गैस की समस्या हो जाती है, इस वजह से उनके पेट में दर्द होता है। अजवाइन का सेवन करने से आपको ना तो गैस बनेगी और ना ही ज़्यादा दर्द होगा। तो ये था कुछ घरेलू नुस्खे पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के बारे में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन या प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।